और भैया अगर आप दुबई फाउंटेन शो के यहाँ पे आ रहे हो और आपको बुर्ज खलीफा दिख गया हो तो एक अलग ही खुशी होती है। और आप लोग भी देखो, बहुत बड़ा है भाई, बहुत ही ज़्यादा बड़ा है ये तो। मतलब पूरा गर्दन ऊपर कर रहा हूँ फिर भी वो टॉप नहीं दिख रहा है, तो मुझे पीछे और झुकना पड़ रहा है। जिसने भी बनाया भाई ख़तरनाक बनाया। और बस मैं इसी के लिए दुबई आया था, क्योंकि मुझे वर्ल्ड की टॉलेस्ट बिल्डिंग देखनी थी और मेरा सपना पूरा हो गया है लगभग 50% और आधा होने का है, क्योंकि जब 124th फ्लोर पे जाऊंगा तब जाके मेरा पूरा सपना पूरा होगा। आया इसलिए था दुबई। इन बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के बीच से चलते हुए मैं हूँ नागपुर ट्रेकर। तो गाइज गुड मॉर्निंग, और आज है 21 फरवरी और दुबई का मेरा दूसरा दिन है। अभी सुबह के 8 बज रहे और मैं जा रहा हूँ आज बुर्ज खलीफा। तो बुर्ज खलीफा के साथ मैं 2-3 जगह और कवर करूँगा, मैं बताऊँगा कि क्या क्या करने वाला हूँ सामने जाके। तो अभी तो सबसे पहले मैं एक सुपर मार्केट देखता हूँ, कुछ खाता हूँ और फिर निकलता हूँ भाई बुर्ज खलीफा के लिए। बुर्ज खलीफा का जो टाइम है मेरा वो 11 बजे का है और अभी 8 बज रहे, तो मेरे पास लगभग 2-3 घंटा है। जल्दी इसलिए निकला हूँ क्योंकि मुझे वहाँ पे एक्सप्लोर करना था, और भाई सिर्फ सोने के लिए तो नहीं आए, और जितना बुक किया उतना तो देखने के लिए नहीं है भाई। जो फ्री का मिल रहा है वो देखो, मजे लो। तो चलो दोस्तों चलते हैं आज बुर्ज खलीफा की तरफ। और दोस्तों एक चीज़ मुझे दुबई में अच्छी लगी कि यहाँ पे बाइक, यहाँ पे साइकिल रेंट पे मिलती है, इलेक्ट्रिक बाइक रेंट पे मिलती है और इलेक्ट्रिक स्कूटर भी रेंट पे मिलता है। तो इनका ये ऐप होता है, ये करीम बाइक करके नाम का, जो अपने को डाउनलोड करना पड़ेगा। और फिर ये साइकिल ऐसे लगे हैं यहाँ पर, ये पूरी इलेक्ट्रिक बाइक है। ये जो QR कोड है वो ऐप से स्कैन करना पड़ेगा, फिर ये बाइक अनलॉक हो जाएगी। तो मैं भी ट्राई करूँगा लेकिन अभी नहीं भाई, टाइम नहीं है। तो भाई लग गए यार, आज 2 बजे तक मेट्रो बंद है और अभी मुझे टैक्सी करके जाना ही पड़ेगा, और टैक्सी का फेयर है भाई 50 दिरहम से 60 दिरहम तक, तो लंबी लगने वाली है। और मेरा जो स्लॉट है बुर्ज खलीफा का वो 11 बजे का है सुबह का, तो देख रहा हूँ अभी बस मिले तो बस से चले जाऊँगा या फिर टैक्सी लेना ही पड़ेगा यार। चलो, बस स्टेशन यहाँ से काफ़ी दूर है, लगभग 2-3 किलोमीटर दूर है, तो मैंने अभी टैक्सी बुला लिया है जो मुझे 45 दिरहम का पड़ रहा है। तो चलो भाई एक टाइम पे चलता है। और दुबई में लेफ्ट हैंड साइड पे ड्राइवर की सीट होती है, तो मैं यहाँ पे कंफ्यूज हो गया। कितना साल हो गया आपको यहाँ पे? मतलब सेटल ही हो गया वहाँ पे, तो फिर इंडिया आना जाना होता है? 8 महीने के बाद जाता है, 2 महीने छुट्टी, 2 महीने की छुट्टी, 8 महीने के बाद 2 महीने छुट्टी। तो ये कॉन्ट्रैक्ट थ्रू रहता है आपका जॉब? ये गवर्नमेंट जॉब है। गवर्नमेंट जॉब है, अच्छा अच्छा। और विदेश में अपने लोग मिल जाए तो मज़ा ही आ जाता है भाई। ड्राइवर अंकल से बात करते करते मैं अपने डेस्टिनेशन पे कब पहुंच गया पता ही नहीं चला। तो भैया मैं तो पहुंच गया हूँ दुबई मॉल में, और बुर्ज खलीफा मुझे पहले ही दिख गया था यार, वो 20 किलोमीटर दूर से भी दिखता है। तो अभी मेरे पास 1 घंटा और है, तो अंदर जाता हूँ, क्या सिस्टम है देखता हूँ, फिर चढ़ते हैं अपन बुर्ज खलीफा के ऊपर। शायद आपको दिख रहा होगा ऊपर, और ड्राइवर भैया भी इंडिया के थे, केरला से थे वो, तो बात करके उनसे अच्छा लगा। तो अभी और मोस्टली यहाँ पे जितने भी लोग हैं यहाँ पे इंडियंस ही है भाई, इंडियंस पाकिस्तानी। हॉस्टल में भी एक पाकिस्तानी मिला मुझे, तो उनसे भी अच्छी दोस्ती होगी। अभी देखते, अच्छा अपने घर जैसे माहौल लग रहा है। चलो भैया अभी अंदर जाते हैं, देखते हैं क्या चीज़ है और चलते हैं। 25th तक हूँ,
25th तक होगी, कम से कम 3 दिन वाला ले लो, आप पूरा कवर कर लोगे। क्योंकि देखें मैं आपको समझाता हूँ, एक दिन का टिकट जो है ना, एक दिन का टिकट आपको 285 का मिलेगा, ओके, और 3 दिन का जो है 385 है, सिर्फ 100 दिरहम का डिफरेंस है, लेकिन आपको 2 दिन एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, 3 दिन मिल जाएंगे, सो आप इजीली सब कुछ कवर कर लेंगे, और प्लस आपको ये फुल पैकेज जो हमारा अट्रैक्शन का ही आपका फ्री हो जाएगा, एक्वेरियम दुबई मॉल और एक्वेरियम अटलांटिस, इसमें आप चूज़ कर सकते हो, एक एक्वेरियम मिल जाएगा, डॉल्फिन शो अटलांटिस में, डाउ क्रूज है, ग्लोबल विलेज, केनाल टूर, नाइट टूर, पाम जुमेरा क्रूज़, इनर पाम का क्रूज़ है, फ्लाइंग कप है GBR बीच में, और क्वीन एलिजाबेथ है, ओल्ड टाइटैनिक की तरह शिप है क्वीन एलिजाबेथ 2, इसके अंदर जाते हैं आप, तो ये आपका ये सारा पैकेज भी फ्री हो जाएगा, और 3 दिन आपको आराम से बस के लिए भी मिल जाएंगे 385 में, ओके। जैसे ही मैंने दुबई मॉल के अंदर एंटर किया तो एक पॉजिटिव वाइब्स आना शुरू हो गया। और दुबई क्रिक टावर बुर्ज खलीफा से भी बड़ा बनने वाला है, जिसका कंस्ट्रक्शन 2021 में जाके खत्म होगा। तो भैया जो आपने हॉप ऑन ऑफ बस देखा था वो बहुत ज्यादा पूरा था यार, 385 दिरहम्स में लगभग 3 दिन का पास मिलता है बस के जिसे आप पूरा बस से ट्रैवल भी कर सकते हो, और उसमें बहुत सारे साइट सीइंग भी इंक्लूड है, जैसे दुबई एक्वेरियम, डव हाउस क्रूज़, जो लगभग अगर आप अलग अलग करोगे तो अराउंड 1000 दिरहम के आसपास तो लगता है, तो 385 पूरा था यार, तो 385 वर्थ है यार। और मुझे यहाँ पे आने के बाद पता चला है तो मैं बहुत ज़्यादा पछता रहा हूँ, क्योंकि मैंने टिकट्स ऑलरेडी निकाल लिया है, तो देखते हैं करना होगा तो वो भी कर लेंगे। और अभी बुर्ज खलीफा की तरफ जा रहा हूँ, तो एक लेवल डाउन जाना है। दिस इज योर टिकट, इट इज फ्रॉम 11 o'clock. ओके, सो यू कैन कम 30 मिनट्स बिफोर। अवेयर हियर ऑन हियर तो भैया टिकट कलेक्ट कर लिया मैंने, और जो बुर्ज खलीफा का टिकट काउंटर है उसका नाम है एट द टॉप, तो अभी मेरे पास 1.5 घंटा और है, क्योंकि 11 बजे का मेरा स्लॉट है और अभी बज रहे 9:30। जो लोग हॉस्टल या होटल से खाना खा के नहीं आए होंगे उनके लिए सामने रेस्टोरेंट्स वगैरह की फैसिलिटीज़ है, वहाँ पर मैकडोनल्ड, KFC वगैरह बहुत कुछ है, मतलब ऐसे ब्रांचेस, फूड चेन बहुत है वहाँ पर, तो आप खा सकते हो। और अभी मैं जा रहा हूँ दुबई मॉल के बाहर। दुबई मॉल के बाहर फाउंटेन शो होता है जिसको हम शाम को देखेंगे। और जो मुझे कॉम्बो मिला है जिसमें बुर्ज खलीफा की एंट्रेंस टिकट, अंडर वाटर जू और दुबई एक्वेरियम, ये सब मिला के मुझे 218 दिरहम में पड़ा है, जो मैंने पहले ही ऑनलाइन बुक कर लिया था। और अभी एक्वेरियम और जू इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि फिर मुझे पता नहीं वहाँ पे कितना टाइम लगेगा, फिर मुझे जल्दी जल्दी में वापस आना पड़ेगा बुर्ज खलीफा के लिए, और फिर मैं अच्छे से एक्सप्लोर नहीं कर पाऊँगा वो, तो थोड़ा टाइम दे के जाते हैं भाई वहाँ पर भी। तो गाइस लॉबी में एंटर कर चुका हूँ और अभी बस लिफ्ट की तरफ जाना है, उधर ही निकल रहा हूँ। इसी लिफ्ट से मुझे 124th फ्लोर पे जाना है, जो मुझे 124th फ्लोर पे 1 मिनट से कम टाइम में पहुँचाएगी, और यही लिफ्ट है जिसने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड जीता है फॉर द फास्टेस्ट लिफ्ट इन द वर्ल्ड।
भाई लोग यार ऊंचाई से तो प्यार हो गया है मुझे। और ये है बुर्ज खलीफा का सुवेनियर शॉप, जहाँ से आप बुर्ज खलीफा के सुवेनियर्स ले सकते हो। लेकिन यहाँ इस ऊंचाई पे इसके रेट्स भी आसमान छूने जैसे थे। दोस्तों वापस नीचे आ गए हो और कमेंट सेक्शन में बताना कि कैसा लगा टूर। और इसके बाद मैं जा रहा हूँ अंडर वाटर जू और एक्वेरियम के लिए, तो उस वो भी कुछ नया एक्सपीरियंस करने जा रहा हूँ। लेट्स गो।